हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हलीनवर कुरैशी और आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं। आज हम एक नए इंजेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे इंजेक्शन की सीरीज है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पैरास्टामोल, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और सायनोकोबालामाइन इंजेक्शन बेटकोफॉल, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। और आज हमारा एक और इंजेक्शन एविल, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का नाम है डेक्सामेथासोन। इसका नाम है डेक्सामेथासोन। ये डेक्सालैब इसका नाम है और ये लेबोरेटरी इस कंपनी का इंजेक्शन है। और ये फ्रेंड्स 2 ml का वॉयल है और ये इसका 2 ml में 8 mg इतना डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट कंटेंट है फ्रेंड्स। और ये ईच ml जो है 4 mg इतना कंटेंट है। और इस इंजेक्शन के अद्भुत ऐसे रिजल्ट हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अलीनवर कुरैशी और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को हेल्थ कंसल्टेंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। फ्रेंड्स, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन ये एक स्टीरोइड है, इसको स्टीरोइड किया जाता कहा जाता है। ये इंजेक्शन पेन किलर में काम में आता है। ये इंजेक्शन के यूजेस क्या है फ्रेंड्स, ये पेन को कम करता है। किसी भी प्रकार का आपका पेन हो, आर्थराइटिस हो, ज्वाइंट पेन हो, स्पॉन्डिलाइसिस हो, और बेसिकली ये जो है इसका वर्क जो है पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ये। और ये जो है रिएक्शन जब भी आता है तो उसमें भी हम ये काम करते हैं। ये एंटी एलर्जिक होता है और पेन किलर जैसे मैं बताया है ये वो भी काम करते हैं। तो इसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलकर स्टीरोइड्स का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी पेन होता है, स्पॉन्डिलाइसिस है, अर्थराइटिस है, या फिर जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, जैसे कि सूजन के इन्फ्लामेशन के कंडीशंस के बारे में हम अलग से बात करेंगे ही। जिस कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन है वहाँ पर डेक्सामेथासोन का वापर हो सकता है। एस्थमेटिक पेशेंट है जहाँ पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर भी डेक्सामेथासोन का यूज़ होता है, जिसके साथ हम एविल और टेक्सा देते हैं। रिएक्शन आया है किसी टैबलेट, इंजेक्शन या किसी फ्लूइड का, अगर आपको रिएक्शन आया है उस कंडीशन में भी हम इंजेक्शन डेक्सामेथासोन और इंजेक्शन एविल ये दोनों साथ में देते हैं। किसी कंडीशन में आपको सीवियर पेन है तभी भी हम देते हैं, और किसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा सूजन है तब भी देते हैं, किसी कंडीशन में आपको जो है नर्व प्रॉब्लम है तो भी ये इंजेक्शन डेक्सामेथासोन दिया जाता है। ये स्टीरोइड है, स्टीरोइड में बहुत से और ड्रग्स आते हैं, जैसे कि डेक्सा है, डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, ट्रायमसिनोलोन है, फिर मिथाइलप्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन जैसे मैंने बताया ही है, फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन है। हम इस हर एक स्टीरोइड के बारे में एक अलग अलग हम जो है वीडियो बताएंगे और उनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन डेक्सामेथासोन है इसका ओरिजिनल डोज जो है ये 2 ml है, मीन्स 8 mg एडल्ट के लिए। पीडियाट्रिक या चिल्ड्रन के लिए जो है इसका डोज है 1 mg का, और इसे इन्फेंट में भी हम यूज़ करते हैं कभी कभी एज अ सर्फेक्टेंट बोलकर, जब पीडियाट्रिक बच्चों पैदा होता है और कभी कभी उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क नहीं करता तो इसको हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिनल सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, इन सभी सिस्टम में ये इंजेक्शन डेक्सामेथासोन एक बढ़िया, बहुत ही ब्रिलियंट ऐसा काम करता है। फ्रेंड्स, ये तो बताया मैंने इसके जो है इसको, इसके यूजेस बताया। अब इसको देना कैसा है फ्रेंड्स वो बताऊंगा। इसको इंट्रावेनस भी दे सकते हैं इन द सीरीज लेकर, या इसको IM इंट्रामस्कुलर भी, कमर में भी हम दे सकते हैं। इसको जब हम कमर में देंगे तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होगा, बट इसको जब हम IV देंगे तो उतना पेन नहीं होगा दोस्तों। इसको
इसको जब भी दे रहे हैं कॉशियसली देना चाहिए। डेक्सामिथाजोन जो इंजेक्शन है, डेक्सामिथाजोन सोडियम फॉस्फेट, ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है फ्रेंड्स। और इस इंजेक्शन का जनरल प्रैक्टिस में और डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हर पेशेंट को आज स्टीरॉयड की गरज है। बट स्टीरॉयड हम ले सकते हैं, पर उसे सही मात्रा में और सही तरीके से अगर लेंगे तो ये स्टीरॉयड एक अद्भुत ऐसा एक ड्रग है। बट दोस्तों फ्रेंड्स, इस स्टीरॉयड का आजकल गलत यूज़ भी हो रहा है। कुछ लोग, कुछ एथलीट्स, कुछ बॉडी बिल्डर इसको बॉडी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, टैबलेट के फॉर्म में स्टीरॉयड लेते हैं। तो वो स्टीरॉयड अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं या आप फिजिक्स बना के ले रहे हैं, तो वो पार्ट टाइम तो वर्क करेगा, आप उससे फिट दिखेंगे, पर जैसे ही आप स्टीरॉयड बंद करेंगे तो उसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी हैं फ्रेंड्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सेक्सुअल लाइफ में भी आपके प्रॉब्लम कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, हार्मोन का लेवल को ये कम करता है। फिर आपको जो है ये सीवियर गैस्ट्राइटिस भी पैदा कर सकता है, और आपके चेहरे पे सूजन आती है जिसको हम पफिनेस ऑफ फेस बोलते हैं, वो भी ये पैदा कर सकता है। आपको इसका रेजिस्टेंस भी आ सकता है, जब तक आप स्टीरॉयड नहीं लेंगे तब तक आपका पेन कम नहीं होगा, तो आप स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसीलिए स्टीरॉयड को जो है टेपरिंग डोज में देना बहुत ज़रूरी है। अभी स्टीरॉयड अगर 15-20 दिन वापर रहे हैं आप, तो टेपरिंग डोज में लें। टेपरिंग डोज मतलब क्या फ्रेंड्स, मतलब आप पहले दिन 4 गोली ले रहे हैं, ऐसे आप 3 दिन कंटिन्यू कर रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात को 3 दिन कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके 3 दिन बाद हम 3 टाइम करेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। उसके 3 दिन बाद हम 2 टाइम लेंगे, मॉर्निंग और नाइट। और उसके 3 दिन बाद हम सिंगल ड्रग पे आएंगे, ओनली मॉर्निंग। उसके 3 दिन बाद हम हाफ हाफ ड्रग पे आएंगे, आधे आधे टैबलेट। इसको बोलते हैं टेपरिंग डोज। और इसके वजह से जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है, स्टीरॉयड आप डिपेंडेंट नहीं होंगे और स्टीरॉयड को आप आसानी से बंद कर सकेंगे। इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा आपको, इसके वजह से आपको वीकनेस भी नहीं आएगा, इसके वजह से आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होंगे। दोस्तों ये इंजेक्शन डेक्सामेथासोन का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अहमद कुरैशी। थैंक यू वेरी मच।